आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपने मन को अपने दिल को प्रभु को अर्पित करते हुए सारी सोचों को प्रभु को अर्पित करते हुए सारी योजनाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए आइए हम इस नित्य आराधना में योग्य रीति से संपूर्ण जीवन को अर्पित करते हुए भाग लें। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया और उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि करी। लूकस अध्याय 12 पद संख्या 7 कहता है, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत तेरे गोरैयों से बढ़कर हो। योहन अध्याय 14 पद संख्या 1 कहता है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु येसु के सामने हैं और वह प्रभु हमसे कहता है कि डरो मत, तुझे निराशा नहीं होगी, घबरा मत,
तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, तू अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाएगा। yes, Lord. प्रभु का वचन हमें सशक्त बनाता है। जब हम प्रभु के वचनों पे चलते हैं तो हम स्त्रोत ग्रंथ अध्याय 27 संख्या 1 में कहते हैं, प्रभु मेरी ज्योति है और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो किससे भयभीत हूं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु जब हमारे साथ रहता है तो हमें डर नहीं लगता है, और जब प्रभु अपने आत्मा को हम पर भेजता है तो वह आत्मा हमें उसकी स्तुति, उसकी आराधना एवं उसकी दया को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतरा, और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा वे सभी निडर हो गए, वे प्रभु के सुसमाचार को फैलाने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे। जहां कहीं पर भी थे, वे बंदी गृह में थे, लेकिन वे प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करते रहते थे। आज हम भी उस पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, और पूरे परिवार के साथ में मिलके प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, प्रभु का गुणगान करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए उस पवित्र आत्मा को कि फिर से वो आग हम पर बरसा दे, फिर से वह रोशनी हमें दे दे, जिससे कि हम तेरी आग के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा सुसमाचार का पैगाम कह सके, और हमारे कंठों को खोल दे कि हम तेरी स्तुति गान कर सके। आइए हम यीशु का नाम लेते जाए जो हमें यह आश्वासन देता है कि मेरे जाने के बाद में मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा और वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। आइए उसी आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करें। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से अपने कंठों को खोलते हुए उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए अपने दिल को खोलिए, दिल से गाते हुए उस प्रभु की आराधना, उस प्रभु की स्तुति करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए पवित्र आत्मा, हमारे दिलों में जो भय है उसे दूर कर दीजिए। आ पवित्र आत्मा, हमारे अंदर के कलंक को मिटा दीजिए। कम होली स्पिरिट, कहते जाइए कम होली स्पिरिट। आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा। दर्शन हमें मिले, करे
योहन अपने पत्र में कहते हैं कि ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी कई बार भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, उसी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम प्रभु के वचनों को सुने, जो वचन हमें हमारे जीवन में उस धुतारी तलवार के सदृश काम करता है जो दोनों तरफ से काटती है। और प्रभु का वचन जीवित और सशक्त वचन है। आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु के वचनों को सुने। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 7-10 तक। आइए हम वचन पढ़े। यदि तुम्हारा सेवक हल जोत कर या ढोर चरा कर खेत से लौटता है तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा मेरा भोजन तैयार करो? जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए कमर कस कर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसा ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए हम अयोग्य सेवक हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्यारे भाई और बहनों, यह एक ऐसा दृष्टांत है, एक ऐसा पैसेज है जो हमारे दैनिक जीवन में हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक सेवक अपना काम करता है, लौट कर घर आता है तो शायद उसका जो मालिक है, जो मास्टर है, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार, धन्यवाद या उसकी सेवा करने नहीं बैठेगा। वो सेवक एक काम हो गया और आगे आकर दूसरा काम कर लेगा। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हें भी वैसे ही होना है। जब कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा काम कितना अच्छा था, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तो तुम्हें कहना है कि हम अयोग्य सेवक है, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। हर एक इंसान में एक इच्छा होती है, अपेक्षाएं होती है, एक हक जताने की आदत होती है, एक स्वीकृति की ज़रूरत होती है। जब हम कुछ काम करते हैं हम चाहते हैं बाय ह्यूमन नेचर कि कोई हमारी प्रशंसा करे। एटलीस्ट प्रशंसा ना करे तो अंधे का ना करे, कोई एक अच्छा शब्द बोल दे, एक आंखों से देखकर मुस्कुरा ले, पीठ पर कोई थपथपी दे, बहुत अच्छा किया है बोले, या दूसरों के सामने कहे वाह ये काम इसने किया है। लेकिन कई बार हमारी ये जो सेल्फ अप्रेजल की जो इच्छा होती है, जो इच्छा होती है कि लोग हमें एंटाइटल्स दे, लोग हमें हमारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, वो चीज़ हमेशा हमें निराशा की ओर ले चलती है क्योंकि कई बार हमें वो नहीं मिलता है। शायद घर में जितने भी माताएं हैं यह बहुत अच्छे से समझ पाएगी, पूरा दिन 24 घंटे काम करने के बाद शायद घर का कोई इंसान उन्हें एक थैंक यू भी नहीं बोलता होगा, कुछ नहीं बोलते रहेंगे। शायद आपके बॉस सबसे अच्छा काम आप करते हो, आपके स्टाफ से भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन कोई एक एप्रिसिएशन के शब्द नहीं बोलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं तुम वह एप्रिसिएशन, तुम वह हक जो तुम जताना चाहते हो अपने काम पर, वो मत जताना, क्योंकि प्रभु को तुम्हारी ज़रूरत नहीं बल्कि तुमको प्रभु की ज़रूरत है। और प्रभु की दया है या प्रभु की अनुगम्बा है या प्रभु हमें एक प्रिविलेज देते हैं कि हम प्रभु की सेवा करें। हमें लगता है कि हम बहुत काम करते हैं, सही बात है, हम बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन यह काम करने की कृपा, यह काम करने की क्षमता, यह भी प्रभु ही देता है।
अगर एक माँ 24 घंटे अपने घर को संभालती है, अगर एक पापा दफ्तर में काम करते हैं, या एक युवक पढ़ता है, या कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है, उसकी जो क्षमता होती है, वो जो ग्रेस होता है, वो प्रभु की ओर से होता है। तो हमें प्रभु सिखाते हैं कि तुम जब सब काम करो, डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू प्रेज यू, डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू अप्रिशिएट यू, टू रिकग्नाइज योर वर्क। कभी एक्सपेक्ट मत करना कि लोग तुम्हारे कामों को देखेंगे, वाह वाह कहेंगे, सबके सामने बताएंगे। जी नहीं, वचन में प्रभु हमें खुद सिखाता है, अगर हमें इस दुनिया में पुरस्कार मिला है तो ऊपर स्वर्ग में नहीं मिलेगा। कई लोग जो सेविकाई में हैं, उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती है, हम इतना करने के बाद भी एक अच्छा शब्द बोले, जबकि पूरी दुनिया के लिए होगा लेकिन हमारे लिए नहीं होगा। अगर हम इतना कर रहे हैं और हमें निकम्मा कहे, तो ये हमारे दिल की एक वेदना है। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, इट इज अ प्रिविलेज गिवन बाय गॉड, यह तुम्हें एक प्रिविलेज के रूप में दिया है, यह विनम्रता का अवसर प्रभु ने तुम्हें दिया है, यह ग्रेस काम करता है, तुम नहीं वहां पर। क्योंकि प्रभु को नहीं बल्कि हमको प्रभु की जरूरत है, तो उसकी पूरी कृपा, उसकी पूरी ग्रेसेस प्रभु हमें जरूर देंगे। जब भी हम अपना कोई काम करते हैं, हम हमारी वैल्यू को ढूंढते हैं, हमने कितना मूल्य कंट्रीब्यूट किया, हमारे जीवन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है। लेकिन यह चीज हम ज्यादातर ढूंढते हैं किसी व्यक्ति में, या किसी चीज में, या किसी इंस्टीट्यूशन में, या किसी परिवार में। व्हाट इज माय वर्थ इन दैट इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज माय वर्थ इन माय फैमिली, व्हाट इज माय वर्थ इन द सोसाइटी, ये हम हमारा मूल्य देखना चाहते हैं, हमारे जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, सेल्फ एलिवेटिंग के लिए मत जाना, सेल्फ सर्विंग के लिए मत जाना, सेल्फ पिटीइंग के लिए मत जाना, क्योंकि जो कुछ हमें मिला है, हम उसके योग्य या काबिल नहीं, लेकिन यह प्रभु की दया है, क्योंकि वह हमें बहुत अधिक प्यार करता है। प्रभु एक ऐसा बॉस है जो हमें समझता है, जो हमारे लिए कष्ट सहने के लिए तैयार है, जो हमें उदारता से सब कुछ देता है, वो कभी भी हमें नीचा नहीं करता। एक अच्छा बॉस ऐसा होता है, एक अच्छा इंसान जिसके नीचे लोग काम करते हैं, ही शुड बी लाइक दैट, ही शुड बी अ लीडर। वो एक ऐसा लीडर जो सबको जानता है, सबको समझता है, सबके लिए अपना टाइम और टैलेंट देता है, सबके लिए अपना जो कुछ भी है उनको दे देता है, और उनके लिए दुख और पीड़ा भी ले लेता है, हमेशा एक कंसिस्टेंट बिहेवियर में रहता है। प्रभु हमसे कहते हैं कि इतना अच्छा एक बॉस, एक ईश्वर केवल प्रभु ही है, और इसके अलावा हमारे जीवन में और कोई नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग हमें कोई अप्रिसिएशन जरूर दे सकता है, लेकिन वो उनके सच्चे मन से है या नहीं, ये केवल प्रभु ही जानता है। आइए आज हम प्रभु के सामने अपने जीवन के एक ह्यूमन नेचर जो है, टू बी लव्ड एंड टू लव, यह एक ह्यूमन डिजायर है, हम प्रभु के सामने रखें। हम जहाँ काम करते हैं, हमसे मिले जो लोग हैं, जो हमारे जीवन में है, वे लोग हमें प्यार करें, और हमें भी ऐसे थोड़े से लोग हमारे जीवन में भी हो जिन्हें हम प्यार कर सके। यह सब इच्छा है, यह सब हमारी जो बेसिक नीड्स ऑफ लव है, हम प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि वह भला है, वह प्रेम से परिपूर्ण है, वो जानता है हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। सेल्फ पिटी से, दूसरों की अप्रिसिएशन की जो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं, उससे हम हटकर एक नया जीवन बिताने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु हमारा भला है, एंड ही काउंट्स ऑन अस, वो हम पर भरोसा भी करता है। आइए आज जब हम इस वचन को हम मनन चिंतन करें, तो हम प्रभु से कहें, प्रभु हम तो अयोग्य है प्रभु, हमसे जो कहा गया हमने वही किया है, लेकिन प्रभु सारी महिमा आपके लिए प्रभु जी।
प्रभु जी, हम आपको इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, सभी आशीषें एवं कृपाओं के लिए, सभी चंगाइयों के लिए जो आप हमें देने वाले हैं और अब तक दे चुके हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने परिवार वालों के साथ मिलकर तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हम कोड़ी नामान के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर एलिय्याह उसे आदेश देता है कि तुम 7 बार जाकर यर्दन नदी में डुबकी लगाओ और तुम चंगे हो जाओगे। हम सभी बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ, पर वह विश्वास नहीं करता है बल्कि वह क्रोध होता है। तब उसका सेवक जो बहुत ही सरल भाव से उसके पास आता और उसे समझाता है कि प्रभु ने जो आज्ञा दी है, जो कि बहुत सरल है, जो कि बहुत ही सहज है, आप इसे क्यों नहीं करते, उसमें आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, हम कई बार ऐसा होता है कि हम पारिवारिक प्रार्थनाएं छोड़ देते हैं, कई बार प्रभु जी हम एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, या फिर हम ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते जिसके कारण से प्रभु जी हम कोड़ी हो जाते, आत्मिक रूप से हम कोड़ी हो जाते हैं। प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से जो नबी नावतान को, जब वह 7 बार जाकर प्रभु की आज्ञा को मानते हुए यर्दन नदी में डुबकी लगाता है, इसकी योग्यता से हम विश्वास के साथ में तेरे पास आते हैं। उसी विश्वास के साथ जिस तरह से नामान विश्वास के साथ उस नदी में डुबकी लगाता है और उसकी चमड़ी पुनः एक बच्चे की तरह हो जाता है। हम सभी बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें उन सभी के लिए जिनकी शादी में रुकावटें हैं, राजेश संघा, एलिजाबेथ, सुदीपा, एग्नेस मर्की, अनीमा, प्रीति, साथ ही जो लोग इस वक्त जॉबलेस है, जो लोग दर बदर भटक रहे हैं, उन सभी नव युवक और युवतियों के लिए प्रार्थना करें जो कि डिप्रेशन में आ गए हैं, जिसके कारण से उनके परिवार पर आर्थिक रूप से बहुत ही भारी बोझ है। हम प्रार्थना करें रेनॉल्ड, सनी, फ्रांसिस के लिए। चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें सुक्रिया नायक, उनके हार्ट ऑपरेशन से उन्हें स्पीडी रिकवरी होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें एरन के लिए जो कि गलत संबंधों में फंसा हुआ है, उसके पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। इस वक्त जब प्रभु हमारे बीच में है, अपनी उपस्थिति दिए हुए हैं, अपनी आत्मा से उसने हमें ओतप्रोत किया, हम उसे एक माइटी प्रेज देते हुए हाथ को उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, स्तुति, स्तुति। विश्वास के साथ हम अपने हाथ को उठाए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उस पर विश्वास करें और उसे हम किसी भी तरीके से उसकी जो आज्ञा है, जो कि सरल है, सहज है, उसका हम पालन करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए, उस पर गौरवान्वित होते हुए, आनंद के साथ, खुशी के साथ हम अपने स्तुति करते हुए, हाथों को उठाते हुए हम स्तुति आराधना करें। जो जीवन जल है हम उसके पास जाएं, ताकि वह हमें फिर से नया बना दे, वह हमें फिर से एक ऐसा अनुभव दे, ताकि हम उसके और भी नजदीक होने पाए। हाँ प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते, आराधना करते, हालेलुया, हालेलुया। चिंतित व्याकुल मेरा मन, हाँ यीशु, असफलता डर हर क्षण, जब कभी मैं खो जाऊं, प्रभु जी मुझे तू अपना मार्ग दिखा, मुझको प्रभु मार्ग दिखा। लगातार जीसस, 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 हाँ यीशु, क्योंकि तेरे नाम में मुक्ति है, जीसस, तेरे जीसस, नाम में चंगाई है, हम प्रेरित चरित अध्याय 3 में सुंदर फाटक पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो कि कई सालों से वह उठ बैठ नहीं सकता था, वह लंगड़ा था, वह विकलांग था और वह प्रभु की उपस्थिति से दूर था, क्योंकि वह, हमें यह अध्याय बताता है कि वह फाटक
पर था, जबकि वह प्रभु की उपस्थिति में नहीं आया था, मंदिर के अंदर नहीं था, परंतु मंदिर के बाहर बैठकर वह भीख मांगता था। और उसी समय वहां पर प्रभु के लोग, प्रभु के चुने हुए प्रेरित लोग वहां पर आते हैं और पेत्रुस उससे कहता है कि ना तो मेरे पास सोना है ना तो चांदी है, पर मेरे पास जो है वह मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे पास क्या है? मेरे पास यीशु है। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, और वह उसी समय यीशु नाजरी के नाम से उसे आज्ञा देता है कि वह उठ खड़ा हो, और फिर से वह चलने फिरने लगे और उसकी महिमा, हम प्रभु की महिमा को उसी समय देखते, हम कहें हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु नाजरी के नाम को सुनते हैं तब बड़े से बड़ी जो दुविधाएं हैं, ऐसी परेशानियां, ऐसी अड़चनें, वह हमारे परिवार से हट जाएंगी, ऐसे कई सारे बंधन है उससे हमें मुक्त कर देगा। हम उस यीशु नाम में विश्वास करें और इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें तारा परमार, अक्षय परमार, सीमा संगमा और अनीशा के लिए जो कि चंगाई के लिए विशेष प्रार्थना मांग रहे हैं। साथ ही हम प्रार्थना करें रूपेश जाधव के लिए जिन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। धराश्री टोपो के लिए जो कि बहुत बीमार है, मधु जिन्हें डेंगू हुआ है उससे चंगाई मिले। हम ऐसे कई सारे भाई बहन हैं जिनका हमने इस वक्त नाम नहीं लिया, लेकिन वे लोग इस वक्त विश्वास के साथ में तेरे सामने घुटने टेके हुए, जो लोग तेरे सामने आंसू बहा रहे हैं, उन सबको भी हम समर्पित करते, क्योंकि प्रभु जी तूने कहा है कि तू टूटे हुए मन जो हैं जिनके पास है तू उनके बहुत ही नज़दीक रहता है, और प्रभु जी तुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, तुझ पर हमें भरोसा है, और तेरे सभी जो प्रेम है तूने हमें जो दिया है उस पर भी हमें विश्वास है, जो तूने हमें अनुभव दिया है अब तक उसके लिए हम तुझ पर विश्वास करते हुए इस वक्त अपने हाथ को उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें विश्वास के साथ, यीशु का नाम लेते हुए इस वक्त हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें विश्वास के साथ, हम उसे पुकारे और उसे आहे भरते हुए, जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि अगर हमारे पास शब्द ना भी हो तो भी आत्मा आहे भरते हुए अब्बा पिता बुलाता है, हम इसी विश्वास के साथ उस अब्बा को बुलाए, उस पिता को बुलाए, उस आत्मा की आहों से भरते हुए उस यीशु को पुकारे, ताकि प्रभु हमारी उन आहों को सुने, क्योंकि वह हमारी खामोशी को भी सुन सकता है, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे आंसुओं को भी सुनने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, तू इन सभी की पुकार को सुनता है, विश्वास के साथ अपने हाथ उठाते हुए तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा गाते, तेरी आराधना करते, अपनी महिमा हम सबों पर प्रकट होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक परिवारों को जिन्हें प्रभु जी तेरी उपस्थिति की, जहाँ पर कमी है वहाँ पर तेरी उपस्थिति आने पाए, और आज इस घर में मुक्ति आने पाए, इस वचन को तो पूर्ण करने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया यीशु 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 यीशु। मुझको लोग मदद मांगे यीशु, परदेसी जब प्रेम खोजे प्रभु जी, मैं कभी भी उनको ना ठुकराऊं, उनको मैं ना ठुकराऊं, यीशु मुझे प्यार करना सिखा, मुझको प्यार करना सिखा अध्याय 7 पद संख्या 38 में आपने कहा हर जो विश्वास करता है, पवित्र ग्रंथ में जैसा लिखा है उसके हृदय से पवित्र जल बहेगा। ओ पवित्र आत्मा को वरदान देने वाले, पवित्र आत्मा को हम पर देने वाले, बरसाने वाले प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए इस आशीष के द्वारा हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए प्रभु जी, हमारे जीवन के अंधकार हट जाए प्रभु जी, आपकी रोशनी, आपका प्रकाश, आपका धैर्य और आपकी प्रेम और शांति, ओ पवित्र आत्मा आपके फल हमारे परिवारों में आ जाए। हालेलुया जीसस जीसस जीसस, तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, तेरी आराधना आराधना आराधना, ओ थैंक यू जीसस 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 जीसस, ओ माइटी नेम जीसस, थैंक यू जीसस जीसस जीसस, थैंक यू जीसस जीसस जीसस, तेरी स्तुति हो यीशु यीशु यीशु।
Praise the Lord. Praise the Lord.